हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके जो पर्सन हैं, आपके पार्टनर हैं, उनके डीप इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए करंटली, उनके डीपली फीलिंग्स इमोशंस क्या हैं, जिन लोगों के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप हो चुका है, ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेशन हो चुका है। ये पर्सन आपका एक्स हो सकता है, एक्स पार्टनर, एक्स लवर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स फियोंसी, ठीक है। आपके एक्स की बात हो रही है, लाइक जिनके साथ अभी आपका करंटली कोई भी कनेक्शन नहीं है या फिर लीस्ट कॉन्टैक्ट है, बात ठीक से नहीं हो रही, कॉन्टैक्ट कोई अच्छा नहीं चल रहा, उन लोगों के लिए आप रीडिंग को देख सकते हो। अपने पर्सन पे फोकस करना है, जो भी आपके पार्टनर हैं अपने पर्सन पे फोकस करिए। एंड चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ऑल पे क्लिक करें ताकि रीडिंग आप मिस ना कर सकें कोई भी। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज़ चेक इट आउट। एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश में रीडिंग्स में तो मेरे ईमेल के साथ साथ आप चेक करिए और वहाँ पर मेरे इंस्टा को भी फॉलो करिए। सो लेट्स सी, अपने पर्सन पर फोकस करिए, अपनी एनर्जी को उनके साथ अलाइन करें, देखते हैं क्या है डीप इमोशंस एंड फीलिंग्स आपके इस पर्सन की इस टाइम, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही, ब्रेकअप हो चुका है, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, कोई बातचीत है ही नहीं आपकी इनके साथ। देखते हैं डीपली उनके इमोशंस और फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। फर्स्ट वी हैव द मून, देन वी हैव टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, एंड देन वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड एंड फोर ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के यहाँ पे डेफिनेटली मैरिज या फिर इंगेजमेंट की बात भी हुई थी, या एनर्जी आ रही है मुझे ऐसी। इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे कैंसर पाइसिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, यस। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली गाइस, कुछ लोगों के यहाँ पे इंगेजमेंट भी हुई थी, कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी थी और कमिटमेंट को पूरा नहीं कर चुका, पूरा नहीं कर सका, सॉरी, एंड आपको रिजेक्ट कर दिया इस पर्सन ने। आई थिंक ये पर्सन ने डेफिनेटली अच्छा बना बनाया रिलेशनशिप जो है वो ख़राब किया आपके साथ, एंड राइट नाउ ये काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा है इस टाइम। टोटली इस पर्सन की रिग्रेट की एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अलॉट। इसको लग रहा है ये पर्सन ने आपको जब से रिजेक्ट किया है, जब से आपकी ऑफर को छोड़ा है, तब से ये पर्सन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टक की चल रही है। लाइक ये पर्सन इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में अटका हुआ फील कर रहा है कि तब से प्रॉब्लम ही चलती आ रही है। मैं क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी को, एट ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करिए, एट ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। आई थिंक इस पर्सन ने या तो किसी के कहने पे आपको छोड़ा है, कोई लेडी हो सकती है, चाहे इस पर्सन की मदर है, चाहे इस पर्सन की कोई भाभी है, या ये पर्सन ने किसी और में इंटरेस्टेड तब हो के आपको छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा है गाइस इसने किसी के कहने पे ही आपको छोड़ा है और राइट नाउ अब उसी की वजह से ही अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहा है। इसको लग रहा है कि कहाँ फंस गया है, ट्रैप हो गया, अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और लेडी को चूज़ किया है या किसी और पर्सन को चूज़ किया, बिकॉज यहाँ पर एनर्जीज की बात हो रही है, जेंडर कुछ भी इनका हो सकता है। बट राइट नाउ गाइस ये पर्सन आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्लैरिटी देना चाहता है, किसी ना किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। राइट नाउ दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स कि किसी ना किसी तरह से आपका कनेक्शन दोबारा बन जाए, किसी ना किसी तरह से आपका दोबारा से रीयूनियन हो जाए, दोबारा से पैचअप हो जाए, बिकॉज ये आपको प्रपोज करना चाहता है गाइस। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू गिव यू अ मैरिज और मैरिज कमिटमेंट और मैरिज प्रपोजल, बिकॉज बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन आपको। शायद इस पर्सन को पास्ट में आपके दरमियान कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे, या फिर ये पर्सन ने अपनी मदर के डर की वजह से शायद आपको छोड़ दिया, या फिर इसकी अपनी मदर के कहने पे आपको छोड़ दिया, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ तो ये पर्सन के सिंगल पेरेंट है, हो सकता है ये पर्सन अकेला अपनी मदर के साथ रहता हो, चाहे ये मेल है या फीमेल है। बट अभी जो है ना गाइज, डेफिनेटली आपको प्रपोज करना चाहता है, आना चाहता है आपकी तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। इन एंड आउट सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, आपके इस कनेक्शन में लगी रही है, बट अभी ये आना चाहता है विद प्रपोजल एंड विद स्टेबल कमिटमेंट, बिकॉज ये जो भी लेडी है उसकी वजह से इसको लग रहा है कि इसने क्या गलती कर ली है, जिसको भी चूज़ किया उसको चूज़ करके, यस। क्योंकि पहले आई थिंक इस पर्सन ने उसकी बातें तो सुन ली हैं, मान ली हैं, बट राइट नाउ सिचुएशन ये है कि वो जो भी ये पर्सन है ना, ये इसको अब जज कर रहा है बहुत ज़्यादा, सारी गलती उसने जो है ना उस पर्सन की उसी पर डाल दी है, तुमने खुद ही छोड़ा है। ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ बड़े जजमेंटल टाइप की एनर्जी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा
एक दूसरे को जज करना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, ऐसी एनर्जी यहाँ पे चल रही है। क्योंकि ये जो भी पर्सन है जिसके इसने सुनी है ना, उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्ड स्मार्ट समझ के इस पर्सन से सब कुछ करवाया है। और अभी इस पर्सन के सामने शायद वो बातें आ चुकी हैं कि इसकी अपना कोई मतलब था, या इसने अपने जो है ना कोई पॉलिटिक्स खेल के इस पर्सन को और आपके दरमियान जो है ये जो भी सिचुएशन ब्रेकअप करवाया है, और अभी ये वापस आना चाह रहा है। एंड आई थिंक ये आपको डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से कोई सच बताएगा, किसी ना किसी तरह से कोई कम्युनिकेशन करके आपको क्लैरिटी देगा। यस, क्योंकि इसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है गाइस। दिस पर्सन इज़ रियली फील वेरी टोटली ब्लाइंड, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड एनर्जी है कि इसको समझ नहीं आ रही कि किधर ट्रैप हो गया, किधर फंस गया, कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि आपकी क्या करे, किस तरह से अब आपसे बात करे, किस तरह से आपको क्या क्लैरिटी दे, क्या बोले अब आपको, ये सिचुएशन चल रही है। हो सकता है आपने पास में इस पर्सन को बहुत रोका हो, लेकिन इस पर्सन ने आपकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि इस पर भूत सवार था कि ये जिस पर्सन के कहने पे कुछ कर रहा है वो तो उसका बड़ा ही सगा है ना। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है। इसको अपनी लाइफ में कुछ मिल भी रहा है तो इसको वो चाहिए ही नहीं है। इसकी एनर्जी पूरी पास्ट पे है, ये पास्ट को चाहता है और इस टाइम आपको मिस बहुत कर रहा है। ये पर्सन आपको इतना मिस कर रहा है कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस पर्सन की मिसिंग ही होती है कि आपके मूड स्विंग्स भी स्टार्ट हो जाते हैं और आपको शायद पता चल जाता है, आप चैनलाइज कर लेते हो कि ये इस पर्सन की वजह से आपकी ये सब सिचुएशन हो रही है। बिकॉज सोलमेट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं उनकी ये सिचुएशन बन जाती है। एंड स्पेशली नाइट टाइम में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। बट मुझे लग रहा है ये जो भी आप लोगों के दरमियान चीज़ें ख़राब करवाई गई हैं वो इस पर्सन की, डेफिनेटली आई एम 110% श्योर इस पर्सन की मदर की तरफ से है, कोई लेडी इन्वॉल्व है। बट ये भी आना चाहता है आपके पास क्योंकि इसको सक्सेस चाहिए। अब ये पर्सन विक्ट्री चाहता है। दिस पर्सन रियली वांट्स टू गिव यू अ कमिटमेंट। ये एक सक्सेस कनेक्शन में आना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज यहाँ पे साफ एनर्जी दिख रही है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहा है और उसी वजह से ये आपके साथ जो है ना रीयूनियन करना चाह रहे आप, क्योंकि इनको लगता है कि आपका कोई ना कोई सोल कनेक्शन है और ये आपको बताना चाहता है जो भी फील कर रहा है। बिकॉज काफ़ी इमोशनल हो रहा है गाइस। कुछ लोगों का हो सकता है फ्रेंडशिप भी बड़ी अच्छी थी तो आप काफ़ी अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करते थे, मे बी आपको इसकी मदर के बारे में पता भी हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों को आइडिया है कि कुछ लोगों की तरफ से उनकी किसी बड़ी एल्डर कोई भाभी या फिर कोई बहन या फिर इसकी मदर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। बट होपफुली यहाँ पे मुझे मदर सिंगल एनर्जी दिख रही है, बट हो सकता है ये किसी और कोई लेडी या जो भी इनकी इनका जेंडर है किसी और में इंटरेस्टेड हो गई, या उन्होंने इसको वो चीज़ें दिखाई जो कि नहीं थी, झूठ बना के बड़ी आर्टिफिशियल सी चीज़ें दिखा के इसको और आपको दूर करवाया गया है और अभी ये वापस आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? क्योंकि इसको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस मिल रही है आपको, आपका नेम बन रहा है, आपका फेम बन रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री मिल रही है, दैट्स वाई आप आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट सी एनर्जी है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा ये जो भी इंसान है ना जल्दी आना चाहता है आपकी तरफ, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा पैशन एक फील हो रहा है आपकी तरफ। बट उससे पहले भी दिख रहा है काफ़ी आना जाना लगा रहा है, इन एंड आउट, कभी आना कभी ठीक हो जाना सब कुछ, कभी ख़राब हो जाना, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। बट अभी तो ये सिचुएशन चल रही है कि इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं लिटरली। या बट आई थिंक इसको लगता है कि शायद एक पर्टिकुलर टाइम इस सिचुएशन का था या इस कनेक्शन का था, तो अभी आप यही बोलोगे कि जब उस पर्टिकुलर टाइम में तुम कुछ कर नहीं सके या कर नहीं सके, स्टैंड नहीं ले पाए, तो आप क्या लेने आ गए हो। ये चीज़ें मुझे कुछ दिख रही हैं, क्योंकि इस पर्सन ने ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट करके ना जो भी किया किया है और अभी जो है ना समझ नहीं आ रही क्या करें। इसने अपनी फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर के, इसने बड़ी कंट्रोल की हुई है, सैबोटेज किया हुआ है इस पर्सन ने अपने इमोशंस को, आना चाह रहा है आपकी तरफ। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट, ऐसा लग रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं शायद आपको इनके ड्रीम्स में आ रहे होंगे। अगर तो ड्रीम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली गाइस ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। ट्रैप्ड या एट ऑफ स्वॉर्ड एंड दिस इज वन इज ट्रैप्ड, डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है। इसके हाथ पाँव सब कुछ बंधा हुआ है, इस पर्सन का ही कुछ कर नहीं पा रहा, इसे ऐसे लग रहा है किधर फंस गया, कहाँ पे स्टक हो गया। बड़ी स्टक सी एनर्जी है इस टाइम इनकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा स्टक सिचुएशन चल रही है, कुछ कर नहीं पा रहा। मुझे लगता है आना भी चाह रहा है तो स्टिल वो जो भी पर्सन है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑल की एनर्जी है तो ओबियसली ऑल इज ऑल अबाउट टॉक अबाउट विजडम,
नॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगा के इसको रोका जा रहा है। पहले भी ऐसे ही दूर किया गया, अभी भी रोका जा रहा है। ब्रोकन काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन हार्ट ब्रोकन की एनर्जी में है गाइस। दिस पर्सन टोटली फीलिंग वेरी डिस्ट्रॉयड। इसको लग रहा है, इसको पता चल चुका है कि किसने आपका कनेक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय किया है, और स्टिल ये अपने आप को भी अब टोटली आपको रिजेक्ट करने के बाद, आपकी अपॉर्चुनिटी मिस करने के बाद, अच्छी खासी मुझे लग रहा है कमिटमेंट दी थी इस पर्सन ने, और फिर वो कमिटमेंट को ही किसी के कहने पे छोड़ दिया। और मुझे लग रहा है मैरिज की कमिटमेंट मिली थी कुछ लोगों को, आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे शायद आपकी शादी भी होने वाली थी, कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो चुकी थी, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। बट आप मुझे बताइएगा किससे रेजोनेट हो रही है। बट यहाँ पर टोटली दिस पर्सन इज शैटरिंग, फीलिंग शैटरिंग, या टूट चुका है ये पर्सन, टोटली इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है। देन वी हैव फाउंडेशन, ये ऐसी फैमिली बनाना चाहता है। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू गिव यू अ सिक्योरिटी, एक अस्टैब्लिशमेंट वाली कमिटमेंट देना चाहता है कि आपके साथ आगे फैमिली बनाएगा, एक सॉलिड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस कनेक्शन की बनाना चाहता है। इसकी फीलिंग है लेकिन इसका दिल काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, बट आई फील ये आएगा आपकी तरफ। मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है विद इन 1 मंथ या फिर 6 वीक्स में ये पर्सन के आने के चांसेस हैं आपकी तरफ, कोई ना कोई एक्शन लेने के, कोई ना कोई इनिशिएट है, अपोलॉजी, या दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू अपोलोजाइज यू, वापिस आएगा आपको सॉरी बोलेगा कि इसने जो भी किया है इसको पता है अपनी गलती, एक्सेप्ट करेगा, ये आपसे माफ़ी मांगेगा, वापिस आना है क्योंकि इसीलिए। देन वी हैव चेजिंग, या आई थिंक गाइज डेफिनेटली ये जिस भी सिचुएशन में है इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी वाली सिचुएशन में है, तो ये वहाँ से जो है ना निकलना चाहता है। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स कि ये वहाँ पे रहे ना, ये वापस आया आप लोगों के पास, चाहे इस पर्सन को आपको चेज क्यों ना करना पड़े, चाहे आप लोगों को किसी भी हद तक माफ़ी मांगने के लिए जितना भी इसको करना पड़ेगा ये करेगा, लेकिन वहाँ से बस जिस इस टाइम जिस सिचुएशन में है बस वहाँ से जान छुड़वा कर निकलने वाली एनर्जी है। ब्यूटी, यस, इसको आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन हो रही है। दिस पर्सन फील्स कि यू गाइज आर वेरी चार्मिंग ग्रेसफुल पर्सन, आपका हार्ट जो है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा काइंड था, लेकिन स्टिल फिर भी इसने किसी की बातों में आके आपका दिल तोड़ दिया। तो नाउ ये बहुत ज़्यादा ना एक रिग्रेट वाली एनर्जी में है कि एक अच्छे इंसान को जो आपको दिल से चाहता है, दिल से प्योर है, उसके साथ कनेक्शन ख़त्म कर देना, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी डम्ब एक्ट। तो ऐसी एनर्जी कुछ दिख रही है, तो ये आप चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, बट आई फील ये आपसे डेफिनेटली अपोलोजाइज करेगा, माफ़ी मांगेगा जो भी इसने आपके साथ किया है। यस, मे बी कुछ लोग क्रिश्चियन हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, बट ये जहाँ पे भी गाइस ट्रैप्ड है ना, ये वहाँ से उस चीज़ को ब्रॉक करेगा और आपकी तरफ आएगा अपोलोजाइज करने, बट आपको चेज भी करेगा डेफिनेटली। ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी टफ सिचुएशन कि आपको चेज करना या कोई हिम्मत से काम लेना, एक इंसान ने अपनी गलती एक्सेप्ट करनी है जो पहले किसी की वजह से छोड़ के चले गया था, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, बट करना है क्योंकि उसी पर्सन की गलती है, दैट्स वाई। एंड आई थिंक इस पर्सन को कनेक्शन ख़त्म करने से पहले आपने शायद बहुत ज़्यादा चेज किया, और लेकिन इस पर्सन ने उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनाया, हो सकता है आपको कुछ बातें भी सुनाई हों, क्योंकि कुछ ना कुछ इस पर्सन की ब्रेन वॉशिंग ऐसी की गई है, या फिर इस पर्सन को बहुत ही सुहाने एक ख्वाब दिखा के, या यू नो बड़ी कोई चीज़ें दिखा के, बड़ा अच्छा जो चीज़ें रियलिटी में हैं भी नहीं उनको भी रियल दिखा के किसी ना किसी तरीके से ना उसको फंसा दिया गया, बेचारे को, बेचारा बेचारी जो भी है उसको, तो वो अब प्रिजनर फील कर रहा हूँ, किस कैद में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, अब निकलना मुझे यहाँ से, क्योंकि रियलिटी सामने आ गई है, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना अब अपनी बड़े माइंड से सोच रहा है, लॉजिकल वे में अब माइंड से सोच रहा है, दिल से नहीं सोच रहा, इसीलिए इसको रियलाइज हो रहा है कि इसने आपके साथ गलत किया है, दैट्स वाई ये रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, या सो दिस इज़ योर रीडिंग। 20+ इस पर्सन की एज मुझे दिख रही है वैसे, लेकिन जिन्होंने जिसकी बातों में ही आया है उसकी एज 30+ दिख रही है मुझे, या 30+ और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 40+50+ भी हो सकती है, बिकॉज ये कोई मुझे इस पर्सन की तरफ से मदर भी दिख रही है, या बट स्टिल ये अभी भी आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड है, अभी भी ये देखते हैं कि अभी भी कनेक्शन जो है उसमें ग्रेसफुली चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, इसीलिए वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये फैमिली बनाना चाहते हैं आपसे। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू मैरी यू गाइज, इट्स अ पीरियड, या सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।